सो गाइज, हम जिस काम से नेपाल आए थे वो काम है मेरी शादी का गोल्ड बनवाने, मतलब मेरे लिए, नीरज के लिए। नेपाली डिश क्यों? माछा साग चटनी भात, बहुत टेस्टी। मैंने तो दो बार खाया। यहाँ का सिस्टम सही है, मतलब सुबह ही खाना हो जाता है। सुबह अभी 10 बज रहे होंगे एंड हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर सुबह खाना ना, सुबह खाना और रात को खाना, रात को खाना, दिन में बस हाँ स्नैक्स टाइप ऐसा थोड़ा सा खाते हैं, अदरवाइज नहीं तो ये। सो अभी हम लोग पहले खाना खाते हैं, खाना नाश्ता क्या खाना ही बोलते हैं इसको, खाना खा के उसके बाद हम जिस काम से नेपाल आए थे वहाँ जाने वाले हैं। सो मैं अभी आपको बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। सो गाइज, हम जिस काम से नेपाल आए थे वो काम है मेरी शादी का गोल्ड बनवाने, मतलब मेरे लिए, नीरज के लिए एंड जो भी रहता है लेने देने का, वैसा सब कुछ बनवाना है। तो अभी हम लोग सुनार के पास जा रहे हैं एंड आधा सेट तो मैंने पहले ही बना लिया था जब मैं पहले आई थी नेपाल। सो थोड़ा बहुत बचा है तो वो आज मैं बनवाने जा रही हूँ। सो यस, यही काम था। मैं नीचे का तो बना लिया है जब मैं पिछली बार आई थी। सो अभी मैं ऊपर का बनवाने आई थी जो कि मैंने पहली ऑर्डर दे दिया था। सो ये चेन और ये क्या बोलते हैं अंगूठी देख रहे हैं हम नीरज के लिए, देखते हैं इसमें से पसंद करके डिज़ाइन देंगे और 2-3 दिन में बन के मिल जाएगा। और एक ब्रेसलेट देखा है, सो वो तो उसका डिज़ाइन तो नहीं है, वो डिज़ाइन मैंने इनको बता दिया है कि कैसा डिज़ाइन चाहिए तो वो बनवा के दे देंगे। और बस 3-4 दिन में, फ्राइडे, आज कौन सा है, ट्यूसडे है, फ्राइडे तक हमको सब कुछ मिल जाएगा। सो मैं तब दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या लिया है, मतलब पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, पूरा अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में बताना, सो मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगी। बट अभी जस्ट हम लोग ऑर्डर देने आए हैं और मैंने ये वाला लिया अपने लिए शान पाल तो मैडम खुला रखती है तो ये लगाइए काम, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अभी खुला रखती ना, शादी के बाद तो फिर बांधूंगी बाल, तब लगाने के चाहिए। और ऐसे थोड़ी ना कि रोज़ लगा के बैठूंगी, ये कहीं ऐसे फंक्शन वगैरह में जाऊंगी तब लगाऊंगी, तब उसके लिए लिया है। और मैंने रानी हार, मतलब जो नीचे का वो कड़ा, इयररिंग्स एंड रिंग वगैरह तो मैंने पिछली बार ही बना लिया था जब मैं आई थी। इस बार फिर जो आता बचा हुआ था वो एंड नीरज का वो सब बनाना था, सो इसलिए हम लोग आए थे। तो गाइस, हमने गोल्ड मतलब बनवाने दे दिया है, अभी वो फ्राइडे को मिलेगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए क्योंकि पिछली बार मैं यहाँ पे आई थी, बहुत टेस्टी था। सो अभी दोबारा आए यहाँ पे खाने के लिए। ये बंद है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। सो गाइस, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली अपने लिए और हम लोग उधर खाने गए थे जो कि अभी वहाँ पर रेनोवेट हो रहा था, बन रहा था, तो अभी हम दूसरी जगह जाएंगे खाने के लिए क्योंकि नेपाल आए और मोमोज ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग खाएंगे मोमो, फिर उसके बाद हम जाएंगे घर, फिर फ्राइडे को बुलाया लेने के लिए, फिर फ्राइडे को आएंगे। तो गाइस, फाइनली हमें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिल गया है जहाँ पर हम अभी खा रहे हैं मोमोज। तो हमने एक प्लेट मटन मोमो और एक प्लेट चिकन मोमो ऑर्डर किया है। सो खाते हैं जाते हैं। इतनी गर्मी है ना नेपाल में, इतनी गर्मी है भाई, बाप रे, बहुत ख़तरनाक गर्मी है। हाँ, मुंबई में क्या हुआ, लगातार बारिश हो रही है ना, तो उसके कारण इतना गर्म हो नहीं रहा, वहाँ पे ठंडा मौसम है, वहाँ पे तो रात को हम कंबल भी ओढ़ते थे, बट अभी यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है और ऊपर से इतना गर्मी का मौसम, हो सॉरी को बोला है गर्म से, अब घर जाके जल्दी जल्दी बैठना है, घर पर जाके। सो अभी हम खा रहे हैं मोमोज।
उसके बाद जाएंगे। सूप में कुछ भी नहीं है, चिकन भी नहीं है। हमारे इधर देहरादून में सूप के साथ चिकन भी रहता है, टेस्टी है। तो नेपाल में मोमोज का तो कोई डाउट ही नहीं है कि कैसा मिलेगा कैसा मिलेगा, बहुत टेस्टी मिलता है यार। बट ये है कि यहाँ माउंटेन व्यू नहीं है। ये मम्मी ने अपने लिए खुद की ने पान डाल दिया, मेरे लिए डाला, मुझे लगा तेरे को प्यास नहीं लगा। और यहाँ पर ड्यू ही नहीं मिला। जहाँ सुनार के पास गए थे वहाँ पे भी हमने वो स्प्राइट पिया, यहाँ पे भी स्प्राइट एंड पेप्सी है। दिस इज मटन मोमो। ओके, तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं। एंड आते ही मैंने क्या देखा, सो जब हम लोग जा रहे थे तो उससे पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी थी। एंड उसके बाद मैं बाहर नेट तो नहीं चला सकती थी क्योंकि मेरे पास नेपाल का सिम तो है नहीं, घर पे तो वाईफाई है तो वाईफाई यूज़ करते हैं। सो मैंने अपलोड कर दिया था, मैं चली गई थी। उसके बाद पूरा मैंने वहाँ पर नेट वगैरह नहीं देखा। सो 11 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है। सो हम लोग अभी 4:30 बजे करीब 5 बजे तक आ गए मतलब घर पे। तो पूरा दिन मैंने कमेंट पढ़ा ही नहीं था कि क्या क्या है, मतलब क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, कैसे कैसा है। सो आते ही मैंने घर पे आके सबसे पहले कमेंट खोला एंड देख रही थी मैं उसमें। सो उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं नेपाल क्यों आई हूँ। सो गाइज आप लोग मेरे साथ साथ मतलब मेरे वीडियोज़ देख देख के आप लोग मेरी तरह टैलेंटेड होते जा रहे हो। मजाक कर रही हूँ, मतलब कि आप लोगों ने सबने इतना सही गैस किया है कि मैं मतलब नेपाल गोल्ड बनवाने एंड शादी की शॉपिंग के लिए आई हूँ। आपने बिल्कुल सही गैस किया, मैं शादी की शॉपिंग एंड गोल्ड बनवाने के लिए आई हूँ। एंड गोल्ड तो मैंने बनवाने दे दिया है आज। सो और मेन सॉरी यहाँ पे थोड़ा मेन रोड है तो गाड़ियों की आवाज़ आएगी आपको। सो यस, गोल्ड तो मैंने आज बनवाने दे दिया। और जो मेरा साड़ी एंड ऑल और शॉपिंग वगैरह है वो मैं काठमांडू से करूँगी। सो फ्राइडे को हमको गोल्ड मिल जाएगा जो भी हमने बनवाने दिया है। तो वो गोल्ड लेने के बाद हम लोग सैटरडे को काठमांडू के लिए निकल जाएंगे। तो फिर उधर ही जाके हम लोग और शॉपिंग वगैरह करने वाले हैं। और हाँ गाइस, जो मैंने दिल्ली वाली शॉपिंग वाली वीडियो डाली थी जो मैं अपने ससुराल वाले के साथ गई थी, तो उसमें मैंने एक दो जने का कमेंट पढ़ा था कि आप लोग शेरवानी एंड ऐसे लहंगा वगैरह क्यों पहन रहे हो शादी में, आप लोग नेपाली हो तो आपको नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना चाहिए, मतलब नेपाली ड्रेस वगैरह पहनना चाहिए। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग नेपाली ड्रेस भी पहन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एकदम से हर चीज़ आपको शो नहीं कर सकती कि हाँ मैं ये भी पहन रही हूँ ये भी पहन रही हूँ, धीरे धीरे वो चीज़ होता रहेगा। अब मैं नेपाल आई हूँ तो मैं आपको अब बताऊँगी ना कि हाँ मैं नेपाल से ये शॉपिंग कर रही हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। आप लोग पहले ही कमेंट कर देते हो कि दीदी आप लोग नेपाली हो फिर ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं पहन रहे हो, कैसे हो आप लोग, ये सो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बट टेंशन मत लो गाइस, सब कुछ होगा। हम लोग नेपाली अपना ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहन रहे हैं, तो जो नेपाली ड्रेस होगा वो मैं लूँगी काठमांडू से। तो हम कौन सा ड्रेस कब कहाँ कैसे पहनने वाले हो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ध्यान से सब कुछ धीरे धीरे देखते रहो वीडियोस, आपको पता चलता रहेगा। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत सारों ने कमेंट किया था कि ऐसा वैसा ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं पहन रहे हो ये वो। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज आई थिंक कि आपको मेरी वीडियोस आजकल अच्छी लग रही होंगी, मतलब वेडिंग सीरीज वाला, वेडिंग शॉपिंग, वेडिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रही हूँ आजकल, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले एंड आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख लो। सो यस गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।